इस समय धर्म जागरण यात्रा की बहुत आवश्यकता है। सब एक हो जाए देश में, इसकी बहुत आवश्यकता है। आपने सब देखा है वर्तमान की दशा क्या है। हमारे अलग अलग होने का फायदा दूसरों ने खूब उठाया, हमें आपस में बांटने का काम दूसरों ने खूब किया, कोई कसर नहीं छोड़ा, जातियों में, बिरादियों में, पंथ में, कहां कहां नहीं बांटा। और दूसरे इसी फेर में कि हमेशा बटे रहे और हम राज करें, विद्रोही लोग फिर से अपना वो राज्य स्थापित करना चाहते हैं। देश में चारों ओर षड्यंत्र हो रहा है, इस्लामीकरण का भयानक षड्यंत्र हो रहा है, इससे अपने परिवार को बचाएं और इस समय सब एक हो जाएं। मैं यही कहूँगा, जाति पाति पंथ भेद भाव सबको मिटाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं प्रशंसा करता हूँ इस मंच से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बहुत बड़ी पदयात्रा लेकर निकले हैं और उनका जो संकल्प है जाति पाति की करो विदाई, और उनके साथ में श्री देवकी नंदन ठाकुर जी भी और भी उनके साथ जो जो लगे हैं सब वंदनीय कार्य कर रहे हैं। मेरा पुरजोर समर्थन है उनका, हृदय से मैं समर्थन कर रहा हूँ, न केवल समर्थन कर रहा हूँ मैं इस यात्रा में शामिल हूँ ऐसा मैं मान रहा हूँ। भले मैं दिल्ली में हूँ, अंबिका विहार में आपके साथ, लेकिन मैं मन से उस यात्रा का समर्थन कर रहा हूँ। कुछ लोग इस समय भी, मुझे बड़ी घृणा हो रही है ऐसे विचारों से, जो आज भी जाति पाति को ढोने के फेर में लगे हुए हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई भले ही वर्णाश्रम तो वेद विहित है, मैं मानता हूं, लेकिन वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में एक होने की आवश्यकता है, पूरे समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जाति पाति की रोटी आज भी सेकने में लगे हैं, उन सब महापुरुषों से मैं क्या कहूंगा, लेकिन समाज को जरूर कहूंगा कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है, आज एकता की आवश्यकता है, नहीं तो फिर से जाति पाति में बटे रहेंगे तो भारत फिर से मुगल के अधीन हो जाएगा। आज देखिए एक एक देश पर कब्जा उनका हो रहा है, इसलिए मैं जाति पाति को समर्थन नहीं करता हूं, मैं भेदभाव को समर्थन नहीं करता हूं, मैं ऊंच नीच को समर्थन नहीं करता हूं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, हम सब एक हैं। मानवता के नाते सभी भगवान के भक्त हैं। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य की वो पंक्ति आपके सामने दोहराना चाहूंगा, जिन्होंने काशी में रहकर एक नारा दिया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। ये वास्तव में, अरे जब सामान्य लोगों में इसकी कोई पूछ नहीं है तो भगवान के भक्तों में क्या पूछ करके करेंगे। भले ही शास्त्रों में वर्णन है, अरे भाई शास्त्र जो है हमारा, वो नियम, बहुत सारे नियम हम छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, वो अभी हम कलयुग में है, सतयुग का नियम यहां लागू नहीं हो सकता है। सतयुग का लग सकता है, सतयुग का नियम लागू नहीं हो सकता। हमारी सती प्रथा थी, हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। पुनर्विवाह पहले नहीं था, अब हम कर रहे कि नहीं कर रहे, बेटियों का फिर से विवाह कर रहे ना। बहुत सारे नियम को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि समय अनुसार आवश्यकता किसकी है यह देखते हुए नियमों में परिवर्तन देखा गया है। नहीं तो आने वाले समय में वैसे भी नहीं रहने वाला, संभाल लीजिए आप, कैसे संभाल लेंगे। आज देख रहे हैं इसके कारण जो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको पीछे किया जा रहा है और अयोग्य व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। इस आरक्षण के कारण सरकारी डॉक्टर आपको चाहिए इलाज के लिए, नहीं चाहिए। सरकारी टीचर आपको चाहिए पढ़ाने के लिए, नहीं चाहिए। पढ़ाएंगे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, चिकित्सा कराएंगे प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन नौकरी खोजेंगे सरकारी। कितनी विडंबना है, है? तो कोई भी सिस्टम जहां भी है अयोग्य, क्योंकि भाई डर है ना कि अयोग्य डॉक्टर से चिकित्सा करा लेंगे तो जान माल का खतरा है। तो सभी योग्यता को वंदन करते हैं, प्रतिभा का स्वीकार करिए।
तो मैं तो कहूंगा सभी संतों से इस समय एक होने की आवश्यकता है। ऐसे विभाजनकारी बातों को मंच पर न रखें। विभाजनकारी भले शास्त्र प्रमाण है, उस प्रमाणिकता को थोड़ा मौन रहें, समाज को एक होने दें, संगठित होने दें, इसकी बहुत आवश्यकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे विरोध है, चाहे वो कोई भी हो।